नमस्कार दोस्तों, सिर सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास राजदूत बाइक है 175 सीसी की और जो 94 मॉडल है और ये बहुत पुरानी बाइक है। और आप लोग को मैं पुराना वीडियो में अपना हैंडल लॉक के बारे में आप लोग को वीडियो बना कर आप लोग को दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो आज मैं सेकेंड पार्ट में बाइक का सीट लॉक के बारे में मैं बताऊँगा। जिस बाइक का यदि सीट लॉक का चाबी या की जो भी होता है जो खो गया है और अपना लॉक को यूज नहीं कर पाते हैं तो कैसे इसको यूज किया जाए, उसके बारे में सोल्यूशन मैं निकाला हूं। जैसे कि अपना मैं बाइक का हैंडल लॉक मतलब सेंटर लॉक को मैं बनवाया इसका चाबी और इसको बनवा कर यूज किया और आप लोग को दिखाया। इसी तरह मार्केट में आप लोग अपना पुराना लॉक को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो बाइक का जो सेकेंड वाला सीट लॉक है इसके बारे में, जैसे मेरे पास काइटो चाबी है और इसमें कोई भी चाबी इसका नहीं है, फिर भी इसका मैं इससे खोलूँगा और इसके अलावा भी इसको लॉक को खोलूँगा, यूज करूँगा। कैसे करेंगे आप लोग इसका यूज़ के आगे बारे में बताऊँगा। सबसे पहले यदि आपकी चाबी नहीं मिल रहा है, लॉक मार्केट में नया नहीं मिल रहा है, तो आप इसी लॉक को जुगाड़ से आप काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो लॉक है इसको आप खोल लें। ये तो मेरा पहले से खुला है तो इसको खोल लें और खोलने के बाद में यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश किया जाए ये जो लॉक है और यहाँ पर थोड़ा सा आयल, अच्छा वाला आयल को यहाँ पे डाल दें, जैसे कि यहाँ पर दिया है ये। इसमें आयल डालें, कैसे डालें थोड़ा सा डाल के मैं दिखाता हूँ। अभी बहुत छोटा लॉक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आयल डाल दें ये जो लॉक है और इसमें थोड़ा सा आयल डाल दें यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन से पुराना हो जाता है, जंग लग जाता है, डस्ट लग जाता है इसमें। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे और जितने प्रकार के मेरे पास चाबी है, जैसे मैं एक बार एक दिखाना चाहता हूँ एक एक करके। ये मेरा राजदूत का है, स्कार्ट कंपनी का, और मेरा ये डिग्गी का है, और इसमें से देखते हैं कौन सी चाबी लगती है। क्योंकि पहले जो राजदूत का लॉक जो आता था, सेंटर लॉक और सीट लॉक या मेन चाबी जो आता था, एक ही चाबी से हर काम होता था, अपना स्विच को चेंज किया था, तो उसका ये चाबी है। तो उससे हम देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। देखिए मैं लगा दिया और यहाँ पर घुमाने पर ये काम नहीं कर रहा है, तो यदि इससे भी खोलना है तो खोल सकते, क्योंकि एक यहाँ पर पिन होता है। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा दाहिने तरफ इस तरह दबाएं, इधर तिरछा कर दें इस तरह, जैसे एक चाबी है, चाबी को लगाने के बाद तिरछा कर दें इस तरह दाहिने तरफ और धीरे से करेंगे ये खुल जाएगा। एक लॉक खुल गया तो उसको मैं एक बार दिखाता हूँ लगा के आप लोग को। जैसे कि है, और इसके बाद मैं चाबी लगाया और दाहिने तरफ दबाया और इसको ऊपर कर दिया और ये लॉक हो गया। देखिए खुल नहीं रहा, ये यहाँ पे लॉक हो गया, ये नहीं खुलेगा। और उसी क्रम में फिर उस चाबी को दाहिने तरफ दबाऊंगा ऊपर की तरफ और दाहिने घुमा दूंगा और ये खुल जाएगा। तो ये तो मेन चाबी का हो गया, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। इसके अलावा भी एक और चाबी है मेरे पास, जैसे आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैं चाबी यहाँ पर रख देता हूँ, आप लोगों को सामने दिखेगा भी कि मैं चाबी यहाँ पर रखा हूँ। और यहाँ मेरे पास एक्स्ट्रा भी चाबी है, ये बजाज पल्सर का बाइक का ये चाबी है और इसको देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये नहीं काम करेगा क्योंकि बहुत छोटा लॉक होता है और चाबी बहुत बड़ी है तो ये काम नहीं करेगा। तो और उसके बाद दूसरा है, इसको भी देखते हैं, ये भी लगभग नहीं काम कर रहा है। मैं ट्राई कर लिया दोनों, तो इसको भी यहीं रख देता हूँ। और मेरे पास एक और पुराना है, कोई दूसरी बाइक का है, कोई लगभग पुरानी बाइक की कोई है कंपनी का, तो इसको लगाते हैं देखते काम करता है कि नहीं। इसको लगाया, ये लग गया थोड़ा सा, और इसको घुमाने पे बहुत अच्छी ये काम कर रहा है, सबसे बेस्ट तो ये काम कर रहा है। देखिए एकदम आप लोग के सामने कितना अच्छा काम कर रहा है ये, देखिए। तो इस टाइप से आप यदि तीन चार ठो यदि पुराना बाइक का कोई आप चाबी रखें तो एक आठ यूज कर सकते हैं, लगा का कोई ना कोई चाबी आपकी लग जाएगी। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, इसके माध्यम से भी मैं इसको लॉक कर सकता हूँ या खोल सकता हूँ। आप लोग इस तरह कर सकते हैं, जैसे इसमें मैं लगा दिया स्क्रू ड्राइवर को और दाहिने तरफ दबाया, घुमा दिया, ये घूम रहा है, देखिए आप लोग के सामने ये घूम रहा है। थोड़ा सा इसमें फंस रहा है क्योंकि आयल डाला हूँ, देखिए कितना अच्छा ये घूम रहा है। ये लॉक जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार लॉक करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए अब ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। अब इसको बाद में खोल रहा हूँ,
देखिए खुल जा रहा है। तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी इस लॉक को लॉक कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसके अलावा भी एक और जुगाड़ है। इसके बाद यदि आप मार्केट में जाते हैं कहीं, तो आप एक 10 नंबर का जो रिंच है, 10 नंबर का रिंच, तो इसके माध्यम से आप अपना लॉक को यहाँ से खोल लें और आप आसानी से मार्केट में ले जाकर आप बनवा सकते हैं इसको लॉक को। यहाँ पर 10 नंबर का रिंच है, 10 नंबर का बोल्ट भी लगा है। और इस टाइप का मैं आप लोग को लॉक को निकाल कर दिखाऊँगा अपनी बाइक से। जैसे कि ये है लॉक और ये है बोल्ट, और मेरे पास 10 नंबर का रिंच है, 10 नंबर का बोल्ट है, और यहाँ पे ये लॉक है। तो आप यदि बाइक नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पे कैसा इसका जगह है, स्पेस कैसा है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ये लॉक लगता है, और ये किस तरह काम करेगा आप लोग को मैं वीडियो में दिखाया। तो ये वाला लॉक होता है, और लॉक कितना छोटा है आप लोग ध्यान से देखें। तो इसको आप आराम से खोल लें और मार्केट में ले जाएँ और इसका डुप्लीकेट चाबी या टू कापी का चाबी इसका बनवा सकते हैं। जैसे इसका दूसरा प्रति चाबी आप बनवा सकते हैं, यथा नहीं बनवा सकते हैं तो आप कोई भी दो चार पाँच टू चाबी एक्स्ट्रा रख लें। पुराना बाइक का कोई ना कोई चाबी आप लगाएंगे, ये लग जाएगा। कोई ये ख़ास तरह का ये लॉक नहीं होता है, तो आप अपना लॉक को पुनः यूज कर सकते हैं। तो आप इस लॉक को मार्केट में ले जाइए और ख़ुद से इसको डुप्लीकेट चाबी इसका बनवा लीजिए। ये 50 से 60 रुपया लगेगा, और नहीं तो आप स्क्रू ड्राइवर से आप खोलें या दो चार ठो पुराना चाबी रख लें उससे खोलें। तो इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।